वीडियो एक्चुअली इस वीडियो में मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस कैमरामैन हूँ, क्योंकि आज आकाश करने वाला है पूरा वीडियो और वो भी टॉपिक है हमारा बाइकर रिव्यू, रॉयल इनफील्ड 350X को हमने कैसे कैसे मॉडिफाई किया है वो सब आकाश बताएगा, क्योंकि हाँ पैसा दोनों ने ही खर्च किया है बट मुझे कुछ पता भी नहीं है कि किस में कितना लगा है, किसको क्या बोलते हैं ये भी नहीं पता, तो वो सब डिटेल्स आकाश आप लोगों को देने वाला है। बताओ कुछ सब्सक्राइब yes. करने के लिए बोल दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दो। तो चलो मैं कैमरामैन का रोल निभा लेती हूँ अच्छे से और आप लोग वीडियो देखो। तो गाइस ये है थंडरबर्ड 350X, तो इसमें कंफर्टेबली टूरिंग करने के लिए बहुत सारा मॉडिफिकेशन का ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कुछ कंपनी ने नहीं दिया है। तो देखिए क्या क्या किया है, पहले से अगर स्टार्ट करें, सामने सबसे आगे विंडशील्ड, ये है कार्बन रेसिंग का मेड इन इंडिया विंडशील्ड है, इसका बहुत ज़रूरत था, क्योंकि पहले फर्स्ट टाइम जब हम टूरिंग किए थे तो बहुत चेस्ट में हवा लगा था और विंड ब्लास्ट के लिए कमर भी दर्द हो जाता है, तो इसलिए फर्स्ट मैंने ये लिया था विंडशील्ड। ये मैंडेटरी है, आई थिंक प्राइस है इसका अराउंड शिपिंग मिला के 2000। सेकेंड आ जाए तो ये नकल गार्ड, क्योंकि हमें इस बाइक से ही ऑफ रोडिंग करना था तो इसलिए SR बेस का फर्स्ट कॉपी ये मैंने लिया था Amazon से, और इसको आप लोग कार्बन रेसिंग के वेबसाइट से ही ले सकते हो, सब बाइक्स के लिए मिलता है वहाँ पर। हैंड गार्ड या नकल गार्ड आप जो भी कहो, तो इसे Amazon से अप्रॉक्सीमेटली 1700 लगा था। और थर्ड पे आ जाए तो ये है फॉग लाइट HJG का 5000 लूमिन्स आई थिंक, तो ये दोनों में बहुत ही अच्छा रोशनी होता है, इसके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि स्टॉक का उतना पावर नहीं है बहुत सारा हाईवे राइड ये सब में। तो ये लिया था, ये अराउंड 5000 रुपीस पड़ा था, ये मैंने लिया है एक इंस्टाग्राम अकाउंट पेज है, उसका नाम है द रोलिंग पिस्टन ना, हाँ ऐसे ही कुछ है, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में सबका, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो इधर आओ, उसके बाद मैं लिया है ये हैंडल बार, ये हैंडल बार है RD 350 का, तो ये Amazon हो या कोई भी वेबसाइट हो वहाँ पर आप ले सकते हो, इसमें वाइब्रेशन तो पता नहीं सेम ही शायद होता है, लेकिन ये वाइड है, मैं बहुत टॉल हूँ अराउंड 6.1, तो इसलिए ये मुझे बहुत ज़रूरी था, वो छोटा होता है, तो ये RD 350 का, और हाइट भी इसका ज़्यादा है, टॉल है, तो इसका प्राइस शायद 500 के अराउंड। और नेक्स्ट आ जाए तो ये VS4 गाड़ी बाइक है, तो इसमें हेडलाइट का ये नहीं था, तो इसलिए ये भी मैंने चेंज किया था, ये शोरूम का ही है। उसके बाद ये आता है बोबो गियर्स का चार्जर विथ मोबाइल होल्डर, ये बहुत स्टेडी है, और गुड़गंगमार भी किया यहाँ पर मोबाइल होल्डर में मोबाइल लगाकर, तो ऑफ रोडिंग में कोई दिक्कत नहीं है और गिरने का डर भी नहीं बना रहता है। तो इसका प्राइस 1800-2000 के आसपास, तो ये मैंने बोबो गियर के वेबसाइट से ही लिया था। और उसके बाद ये है राइट साइड का साड़ी गार्ड, ये शायद बहुत लोग नहीं जानता है, तो ये इधर आओ, लेफ्ट साइड का तो कंपनी देता है, क्योंकि इंडिया में साड़ी लड़की पहनता है तो इसलिए
सारी गार्ड मैंडेटरी है इंडिया के लिए, और मैं दोनों साइड लगेज रखने के लिए सैडल बैग्स, तो इसलिए मैं ये सारी गार्ड लिया था। तो इसका प्राइस है 1000 रुपीस। ये आप लोग अमेज़न से सर्च कर सकते हो और मैं लिंक भी दे दूंगा। तो ये लेफ्ट साइड सारी गार्ड, तो ये थंडरबर्ड के लिए ही था तो मैंने लिया। और इसको फिट करने में जो डिफ़िकल्ट लगा ना, मैं और रितु ने दोनों ही ट्राई किया बहुत सारा लॉकडाउन में, लॉकडाउन था तब। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला उसके बाद ये वो मैकेनिक से ही किया था। नेक्स्ट ये बैक रेस्ट, तो ये हम लोगों का सेकेंड बैक रेस्ट है। इससे पहले और बैक रेस्ट एक था, वो और भी ज़्यादा हाइट था, और लगेज कैरियर था। तो हम लोग यहाँ पर बैग भी बांधते थे, सैडल बैग भी था। तो वो एक हम लोग जो गुरुदांगमार गए थे तो तब वो जार्किंग वाइब्रेशन, ओ माय गॉड, रॉयल एनफील्ड में जो वाइब्रेशंस है वो तो जिसका है वही उसको भी पता है। तो इसलिए यहाँ पर सब उसमें वेल्डिंग छूट जाता था, और बहुत बार वेल्ड किया था लेकिन तब भी नहीं चला, सब टूट गया। तो उसके बाद ये लिया है, ये 1200 का पड़ा था, लोकली मार्केट से मालदा से ही लिया। उसके बाद ये है टायर ऑफ रोडिंग, ये है रैलको स्पीड ब्लास्टर। इसको लिया क्योंकि पिछले वाला टायर 6000 किलोमीटर में इतना ऑफ रोडिंग किया पूरा घिस चुका था और 10-12 पंचर भी था, इसलिए वो कोई मतलब नहीं था गुरुदांगमार जाए और फंस जाए तो तब तो काम खराब। तो इसलिए मैं ये नॉबी टायर लिया, तो ऑफ रोडिंग भी अच्छा था और ग्रिप्स भी अच्छा है, सॉफ्ट कंपाउंड है। तो इसलिए अभी तक 3000 किलोमीटर चलाया इस टायर को, तो अच्छा था फीडबैक। तो ये आप ले सकते हो, मेरा रिकमेंड है। और बाकी तो चपड़ीबाजी करने के लिए वो साइलेंट एग्जॉस्ट लगाया था, तो वो कुछ दिन का शौक था, बाद में फेंक दिया। वो फेंका नहीं, अभी तक रखा है। हाँ, और ये लेग गार्ड, हाँ ये भी कंपनी से नहीं आता था, तो कंपनी का जो लेग गार्ड होता है वो तो 3000 के अराउंड है। मैं ये लोकल मार्केट से लिया था इसलिए चीप है बहुत, 850 रुपीज़ का, तो इसलिए जंग खा गया और अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चलेगा जितना दिन है। तो मुझे ये था एक्सेसरीज। अगर आप लोग चाहते हो कि ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा था, तो रॉयल एनफील्ड में सब कुछ ठीक है पहले के, अभी तो मीटियोर आ गया है, सुना है कि उसको मैंने चलाया नहीं लेकिन सुना है कि वाइब्रेशन पूरा गायब हो गया है लगभग। तो लेकिन इसमें देखो कि वाइब्रेशन कितना है। अगर मैं ये देखो, पूरा हैंडल बार हिल रहा है, मीटर भी हिल रहा है, मीटर्स देख रहे हो। तो वाइब्रेशन ये भी नट खुल के आ गया, इतना वाइब्रेशन है। तो इसके अलावा बाइक अच्छा है, अलॉय व्हील्स है कंपनी से ही, लेकिन बहुत खुदाया गड्ढों में लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अभी तो ये मॉडल ही उठ चुका है तो इसलिए और क्या बताएं। पहले जब चलाता था तो 70 से ऊपर इतना वाइब्रेशन और विंड ब्लास्ट ये सब से तो मैंने सोचा था कि बेच ही दूँ ये बाइक, बहुत दिक्कत होता था। तो आप मॉडिफिकेशन करके अभी थोड़ा 80-90 तक हम चला सकते हैं। तो ये था बाइक का पूरा एक्सेसरीज और मेरा कुछ बातचीत।
50,000 किलोमीटर्स का मैं तो टूर कर चुका हूँ, आगे और भी आने वाला है, इंडिया राइड, एशिया राइड, सब कुछ का प्लान है। एक अच्छा बाइक भी ख़रीदना है, तो वो सब आप देख सकते हो। तो ये सब देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो थोड़ा। अभी तो मोनेटाइज भी नहीं हुआ है। इंडिया टूर और एशिया टूर में भी मैं ही रहने वाली हूँ, पिलियन राइडर। हाँ, ये एज ए पिलियन राइडर, मैं एज ए ड्राइवर राइडर। तो इस बाइक में तो संभव ही नहीं है, इतना प्रॉब्लम है। प्रोज में है, पहले प्रोज बताएंगे उस बाद कॉन्स। तो प्रोज में है कंफर्ट, राइडर कंफर्ट एंड पिलियन कंफर्ट अच्छा है, क्योंकि हम ERCT यूज करते हैं, तो कंफर्ट अच्छा है। हिल्स में, माउंटेन्स में चलाने में अच्छा लगता है, लेकिन पावर का थोड़ा कम है पावर, बट कोई ना, ठीक है। सेकेंड है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन इतना गड्ढा खुदा है कि जाने के वक्त बहुत सारा हाईवे राइड तो चलता ही है हमेशा, तो पॉट होल्स बहुत आए और बहुत सारा जंप किया। तो सस्पेंशन एक बार ही सिर्फ ऑयल सील लीक हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ, अभी तो बहुत अच्छे चल रहा है। थर्ड है अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर, ये बहुत ही अच्छा चीज रॉयल एनफील्ड ने निकाला था। अभी तो 4 साल होने को है ना, हाँ, बाइक 18 को खरीदे थे, 2018 को खरीदे थे फर्स्ट लॉट में, तो तब नॉन ABS भी आता था, तो इसलिए वो अलॉय व्हील्स बहुत अच्छा है और हार्ड भी है, और ट्यूबलेस टायर के कारण पंचर होने का, लीक का, ये सब कोई रिस्क नहीं है। और लास्ट में है बिग टैंक, फ्यूल कैपेसिटी बहुत अच्छा है, एक बार फ्यूल रिफिल कर लिए तो 450 किलोमीटर चलता है, तो क्योंकि मोर देन इनफ है। गुरुदंबर कर रहे थे तो तब वो जगह क्या था, मंगन में हर कोई पेट्रोल भर रहा था, टैंकी फुल कर रहा था, फिर से दो बड़े बड़े जैरिकन में भी पेट्रोल ले रहे थे, बट हमने ना वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं लिया, बस और घूम के भी चलाया। वो भी मंगन से 2 किलोमीटर पहले हमने पेट्रोल लिया था, एंड फिर गुरुदंबर जाने के वक्त ना हमें टेंशन हो गया कि मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मंगन के बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं, फिर हम घूम के आगे, फिर आके मंगन पे कि हमने पेट्रोल भरवाया और तब भी पेट्रोल था टैंक में, तो 400 किलोमीटर माउंटेन्स में चलाया। हाँ, तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोज है। और अभी बताते हैं कॉन्स। कॉन्स में है ब्रेकिंग, बहुत गंदा ब्रेकिंग है, क्योंकि नॉन ABS है, तो ऑफ रोडिंग में तो अच्छा है, लेकिन ऑन रोड अगर सड़क भीगा हुआ है या फिर डस्ट है तब तो फट जाता है, ब्रेकिंग बहुत गंदा है। और सबसे पहले तो वाइब्रेशन होना चाहिए, कि इतना वाइब्रेशन है कि 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा बाइक चलाने के बाद पूरा हिल जाता है शरीर, सपने में भी वाइब्रेशन आता है, चाय पीने जाते हैं ना तो हाथ ऐसे कांपता है, और 80-90 इससे ज्यादा नहीं चला सकते वाइब्रेशन के लिए। और रात के लिए हेडलाइट्स अच्छा नहीं है, आप नहीं चला सकोगे, पावर नहीं है बिल्कुल भी। गली में ठीक है, लेकिन हाईवे के लिए नहीं है हेडलाइट। और मिरर्स तो 60 के बाद ही इतना हिलता है कि पीछे नहीं दिखता है, और बहुत छोटा छोटा है, गोल सर्कल है, इसलिए देख सकते हो इधर कि सर्कल है, इसलिए अच्छा नहीं लगता है, दिखना भी नहीं आता। तो यही था प्रोज एंड कॉन्स। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब एंड लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, ताकि हम और भी वीडियोस बना सके। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।